हेलो दोस्तों नमस्कार। देखो ये हमारे पास एक MI LED है और ये 43 इंची में ये, और देखो ये हमारा MI का सेट है ये, और इसे हम देखो लाइन देख रहे हैं तो इसमें कोई इंडिकेटर नहीं आ रहा है। देखो यहाँ कुछ भी करते रहो मगर ये देखो रिमोट से भी कर रहे हैं तो भी कोई कुछ नहीं कर रहा है ये। और देखो इधर भी इसमें वोल्टेज भी प्राप्त हो रहे हैं। देखो वोल्टेज मैं बता देता हूँ, मेन सप्लाई है इसकी पहले से वो फेल है। देखो यहाँ हमारी वोल्टेज जो AC सप्लाई है वो मिल रही है। देखो यहाँ भी इस जगह पे भी मिल रही है। और दोस्तों DC सप्लाई जो हमारे डायोड के बाद आती है यहाँ वो नहीं मिल रही है। देखो यहाँ कोई सप्लाई नहीं मिल रही है। अब मैं इसे निकाल देता हूँ और दूसरी चीज़ और बता देता हूँ मैं। देखो इसे बजर मोड पे करने के बाद मैं इसे चेक करता हूँ तो देखो यहाँ शॉर्टिंग बता रहा है। देखो ये तीनों फिल्टरों पे शॉर्टिंग जा रही है, शॉर्ट है ये, और शॉर्ट। देखो यहाँ एक MOSFET भी लगा हुआ है, यहाँ भी ये भी शॉर्ट बोल रहा है। और देखो यहाँ एक रेक्टिफायर लगा हुआ है डायोड, देखो ये भी शॉर्ट बोल रहा है। और यहाँ देखो एक ये फ्यूज। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे जब ही पता लगेगा कि इसमें हमने क्या किया है। तो हम अब इसे आगे के लिए पहले इसे निकाल लेते हैं। तो पहले हमें इसकी सप्लाई सही करनी होगी, जब ही पता लगेगा कि इसमें क्या करना है और आगे क्या आगे तक कहाँ तक ये सही करना पड़ेगा ये देख लेते हैं पहले निकाल के। ये हमने बाहर निकाल लिया है, तो पहले हमें इस MOSFET को ही निकाल देते हैं। दोस्तों देखो हमने ये MOSFET यहाँ से निकाल दिया है, और निकालने के बाद में फिर हम इसको देखेंगे। देखो यहाँ ये शॉर्टिंग अब निकल चुकी है, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब मैं ये डायोड की रेंज पे और कर लेता हूँ। देखो ये हमारी अब शॉर्टिंग नहीं है इधर। दोस्तों देखो मैं इसे लगाने जा रहा हूँ अभी। ये लगा के थोड़ा सा इसे बॉस और कर देता हूँ। और दोस्तों देखो मैं पहले अब इसमें वोल्टेज क्लियर कर लेता हूँ, वोल्टेज मेरे आए हैं या नहीं आए हैं। तो देखो मैं पहले यहाँ 12 वोल्ट ये देखो, यहाँ देखो पहले 12 वोल्ट, फिर ये 36 वोल्ट के आसपास आएंगे, और देखो ये 12 वोल्ट यहाँ मिल रहे हैं। और ये बूस्ट अप हमारी बैक लाइट के लिए ये 36 वोल्ट यहाँ मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ वोल्टेज और देख लेता हूँ हमारा सेट ऑन होने की पोजीशन में है कि नहीं है। तो मैं देखो ये 5 वोल्ट भी मिल रहे हैं, ये 4 वोल्ट हैं,
ये 3.3 वोल्ट ये साउंड सेक्शन है, और इधर इधर वोल्टेज ऑन होने पर ही आएंगे। यहाँ ये सप्लाई हमारी मिल रही है कि नहीं, ये भी उसी टाइम में आएगी शायद। मैं इसे पहले ऑन करता हूँ। देखो ये हमारी बैक लाइट ऑन हो चुकी है, और मैं इसे एक बार और देख लेता हूँ कहीं हीट तो नहीं हो रहा है। कोई हीट नहीं हो रहा है। अब मैं इसे ऊपर उठा के देख लेता हूँ इसकी क्या पोजीशन है। देखो दोस्तों, ये हमारा सेट ऑन हो चुका है। अब हम इसे चेक करते हैं। ये हमारा सेट ओके हो चुका है।